चलिए आज हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ते हैं। नंबर्स को हम लोग अगर समथिंग सम नंबर कॉमा सम नंबर कॉमा सम नंबर कॉमा सम नंबर कोई नंबर रैंडमली हम लिख रहे हैं कॉमा एक के बाद एक, इसको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बोलते हैं। पहला नंबर को हम कुछ A1 सिंबल से रिमूव करेंगे, मान लें कोई एक नाम रख लिया। दूसरे नंबर को A2 यानी हम इसको A2 बोल रहे हैं, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखे हैं। अभी चार नंबर लिखे हैं, उसके बाद डॉट 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 कर दिए हैं A3, A4। अभी जो नंबर्स लिखे हैं वो सब रैंडम सीक्वेंस बोलते हैं, कोई अनुशासन नहीं है, कुछ का कुछ लिखते चले गए, माने कोई संबंध नहीं है कि हम इसको नंबर को देखे, इसको देखे, इसको देखे, अब इसको हम प्रिडिक्ट कर देंगे कि नेक्स्ट क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं है अभी। तो इसको हम लोग रैंडम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बोलते हैं। अगर सीक्वेंस में कोई पैटर्न हो तो उस पैटर्न का कोई एक नाम हम लोग रख सकते हैं। जैसे हम लोग को तीन खास पैटर्न को सीखना है, एक का नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस रखे हैं नाम, और एक पैटर्न का नाम रखे हैं हम लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और एक हार्मोनिक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। पैटर्न इन्फिनाइट हो सकता है, कोई अंत ही नहीं है। यहां लिख दिए 1² + 2, 2² + 3, 3² + 4, कॉमा एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखे हैं, इसका कोई नाम नहीं है। ये जो भी सीक्वेंस लिखे हैं ये कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं है, ये वो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि किस पैटर्न को कहते हैं। अभी भी हम एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखे हैं और ये रैंडम भी नहीं है, एक पैटर्न भी है। अगर हम पहला टर्म सीक्वेंस का लिख दिए हैं, दूसरा टर्म बोलते हैं, तीसरा टर्म, तो चौथा टर्म आप इसको देख करके लिख सकते हैं। तो हम लोग को तीन खास किस्म का पैटर्न को सीखना है। अगर ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हम लिखें, कोई एक नंबर लिखे हैं फर्स्ट टर्म, इसमें हम दो ऐड करके सेकंड टर्म लिख दिए, फिर इसमें भी दो ऐड करके, फिर इसमें दो ऐड करके डॉट डॉट डॉट, यानी पहला नंबर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 डॉट डॉट। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसमें कोई भी एक टर्म और उसके प्रीवियस टर्म को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो सेम कांस्टेंट अंतर दिखेगा आपको किसी भी दो टर्म के बीच में। एनी टर्म, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म को A5 कहेंगे, A5 - A4, उसके प्रीवियस टर्म का वैल्यू निकालें, या हम A4 - A3 या A3 - A2 या कोई nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस और उसके जस्ट पहले वाला टर्म प्रीवियस टर्म को लिखेंगे An-1 और उसके जस्ट नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे An+1। दिस माइनस दिस या An+2th टर्म माइनस An+1th टर्म, कोई भी टर्म को में से सब्ट्रैक्ट करें उसके प्रीवियस टर्म को तो सेम नंबर दिखे, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी सिंबल से रिमूव करें। तो A5 - A4 का वैल्यू भी वही नंबर आएगा जो A4 - A3 का। इस नंबर को कहते हैं, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस। ध्यान रहे हम किस नंबर को कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस, दिस माइनस दिस कीजिएगा, दिस माइनस दिस नहीं। अगर हम 5 से चलते हैं, अब इसमें से 2 घटा करके 3, फिर 2 घटा के फिर 2 और घटा के, यानी हम एक्चुअली में ऐड कर रहे हैं, यहां हम 2 ऐड करते गए थे, अब हम -2 ऐड कर रहे हैं। 5 में ऐड किए -2, 3 आ गया, 3 में ऐड किए -2, 1 आ गया, 1 में -3 -1,
अगर हम इस सीक्वेंस, ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है, पर इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस पूछें कि कितना है, आप कोई दो टर्म लीजिए तो दिस माइनस दिस कीजिएगा, नॉट दिस माइनस दिस, यानी इस बार कॉमन डिफरेंस बोलेंगे हम लोग दिस नंबर माइनस इट्स प्रीवियस, और कॉमन डिफरेंस बोलेंगे माइनस टू, यानी कॉमन डिफरेंस एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, एक नेगेटिव नंबर भी, या जीरो भी। अगर हम एक सीक्वेंस लिखें 5.5.5 तो पूछें कि क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस कहला सकता है कि नहीं, तो डेफिनेशन के अनुसार अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि टेक एनी टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यहां से वहां हर टर्म और उसके प्रीवियस टर्म के बीच का जो अंतर है वो सेम होना चाहिए, इसमें इसमें अंतर जीरो है, इसमें दिस माइनस दिस जीरो है, दिस माइनस दिस भी जीरो है, तो अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस विथ कॉमन डिफरेंस जीरो। अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम डिफाइन कर दें, हम लोग संक्षेप में ए पी लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को जीपी भी लिखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हार्मोनिक सीक्वेंस को एचपी, संक्षेप में बहुत बार हम बोलेंगे एपी जीपी एंड एचपी सीख रहे हैं। अब अगर आपके सामने हम एक अरिथमेटिक सीक्वेंस कहें कि लिख डालिए, उसका फर्स्ट टर्म है 11 और कॉमन डिफरेंस है +3, अब आप सारा टर्म्स इस सीक्वेंस का लिख सकते हैं। अगर आपसे हम कहे हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखना है तो अब नेक्स्ट टर्म इसमें 3 ऐड करके लिखेंगे, फिर उसमें 3 ऐड करके लिखते चले जाएंगे, अब जितना नंबर ऑफ टर्म्स बोलिए हम लिख देंगे, गिव मी द फर्स्ट टर्म एंड गिव मी द कॉमन डिफरेंस, तो अब हम सारा टर्म उस सीक्वेंस का लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म लिखने के लिए हम फर्स्ट टर्म में 1 डी ऐड कर दिए, थर्ड टर्म लिखने के लिए 2d ऐड किए, फोर्थ टर्म लिखने के लिए 3d ऐड करेंगे, यानी nth टर्म अगर हम पूछें कि बता दीजिए इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म का वैल्यू हम दे दें a सम नंबर, और nth टर्म कहें कि लिख डालिए, सो इफ द फर्स्ट टर्म इज नोन एंड द कॉमन डिफरेंस इज नोन, तो हम n-1 टाइम्स d ऐड कर देंगे फर्स्ट टर्म में, तो हमको मिल जाएगा nth टर्म। अभी साबित किए थर्ड टर्म निकालने के लिए 2d ऐड करना पड़ता है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए एक कम टाइम्स d ऐड करना पड़ता है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस अब आज के बाद केवल हम आपको उसका एक टर्म बता दें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता दें तो आप उसका nth टर्म लिख लीजिए। ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन था वो यहां हम लिखे हैं। अगर कोई एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है a1, a2, a3, an-1, an+1, .. तो अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाने के लिए ये कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए वो यहां लिखे हैं। हम ये 3 सक्सेसिव टर्म्स ले लिए हैं, any 3 सक्सेसिव टर्म्स अगल बगल। तो अगर दिस माइनस दिस का वैल्यू an-an-1 का वैल्यू बराबर हो दिस माइनस दिस के बराबर हो, और ये बात सत्य होना चाहिए फॉर any 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तब कहेंगे कि वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में है। इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे, an दोनों तरफ ऐड कर दें तो इधर 2an हो जाएगा, और an-1 को भी ऐड कर दें दोनों तरफ और 2 से डिवाइड कर दें
यानी nth टर्म इक्वल टू अगर हो उसके अगल बगल वाले दोनों टर्म दिस प्लस दिस बटे टू के बराबर हो ये वाला टर्म, यानी रियल नंबर लाइन पे एक नंबर पांच लिख दें और एक नंबर ग्यारह, दो नंबर है पांच और ग्यारह, उन दोनों को ऐड करके अगर दो से डिवाइड कर दीजिए तो एक नंबर मिलता है ठीक उन दोनों के बीचों बीच, आठ मिलेगा। मतलब इधर से दूरी और इधर से दूरी इस नंबर का देखिए बराबर है, इक्वी डिस्टेंट। एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कोई भी टर्म ले लीजिए तो वो इक्वल टू होना चाहिए, जैसे ए थ्री का वैल्यू इक्वल टू होना चाहिए ए टू प्लस ए फोर बटे टू के बराबर होना चाहिए। ए फोर का वैल्यू अगल बगल ए थ्री प्लस ए फाइव बटे टू के बराबर होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एवरी थ्री सक्सेसिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस मस्ट सेटिस्फाई दिस सिंगल कंडीशन। यानी कभी हम आपसे ऐसे लिखें सवाल, एक क्वेश्चन दें कि लेट ए एन, ऐसे लिखा जाता है वेयर एन वेरीज फ्रॉम वन टू, अगर 50 टर्म हम देना चाहते हैं सीक्वेंस में तो हम ऐसे लिख देंगे ए एन, इस तरह का एक इंक्लूजन सिंबल्स है इसी में हम बीच में लिखेंगे, अब बाहर में लिख देंगे वेयर एन वेरीज फ्रॉम वन टू, जितना भी टर्म्स का हम सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। तो लेट ए, और अगर हम असीमित चाहते हैं बनाना ए वन ए टू ए थ्री ए हंड्रेड ए थाउजेंड तक चलते चले, तब हम बगल में कोई संख्या नहीं लिखेंगे। तो लेट ऐसे लिखेंगे बी अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये मेरा भाषा होगा। हम मीन कर रहे हैं ये बात, इतना सारा बात लिखना था लेट ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, इसी को हम संक्षेप में ऐसे लिखेंगे। यानी हम मीन कर रहे हैं कि मेरे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का जो टर्म्स है उनका नाम हम रखे हैं ए वन ए टू, यही मतलब है। अगर हम यहां लिखते लेट बी एन बी अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, तो आपको समझना है कि हम कह रहे हैं कि मेरे सीक्वेंस के टर्म्स का नाम हम रखे हैं बी वन कॉमा बी टू कॉमा बी, इतना ही बस, इतना ही बोलना चाह रहे हैं। तो एक सवाल देंगे कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कंडीशन लिख रहे हैं यही वाला ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस वन बाई टू, या टू टाइम्स ए एन इक्वल टू इतना, या ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस टू बटे टू, एक ही वही बात लिखे हैं एन प्लस वन टर्म का वैल्यू इक्वल टू है ए एन यानी उससे एक पहले वाला टर्म, और ए एन प्लस टू यानी एक उसके बाद वाला टर्म को जोड़ करके दो से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा उतना के बराबर है, एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी एन। अगर ऐसा हम लिख दें तो आपको समझ जाना है कि हम एक सिंपल सा बात कहना चाह रहे हैं कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, बस इतना ही बोलना था। हम ऐसे लिखेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि समझ गया कि हम कहना चाह रहे हैं एपी। तो चलिए हम लोग पहला स्टेटमेंट लिखे हैं, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन यही है, इफ एवरी टर्म सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, एवरी थ्री सक्सेसिव टर्म सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, देन दैट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा बात सीखे हैं कि उस सीक्वेंस का एक टर्म बता दीजिए और कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो हम पूरा सीक्वेंस आपके सामने लिख के रख देंगे, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, जरा इनको देख लें। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किसको बोलेंगे, एक नंबर हम लिखे पांच, इसको दो से गुना कर दिए फाइव इंटू टू, फिर उसको दो से गुना कर दिए फाइव इंटू टू स्क्वायर, फिर उसको नंबर को दो से गुना कर दिए। अब जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हम बनाए इसको कहेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस,
पहले वाले में हम ऐड कर रहे थे एक निश्चित संख्या, इस बार हम गुणा कर रहे हैं एक निश्चित संख्या से। जिस संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या को बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसको डिवाइड कर दीजिए इससे तो वही नंबर आएगा जो इसको डिवाइड कीजिए इससे, यानी ए वन ए टू डॉट 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 ए एन माइनस वन ए, इसमें कोई भी टर्म लीजिए, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कीजिए, उस समय हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, या फोर्थ टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कीजिए, किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कीजिए, सेम रिजल्ट आना चाहिए। अगर आता है तो हम ऐसे सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलेंगे और उस संख्या को, उस अनुपात को हम लोग कॉमन रेशियो बोलेंगे। ये कॉमन रेशियो, अभी हम एक एग्जांपल लिए थे टू, एक और लेते हैं, फर्स्ट टर्म पांच दे दिए और कॉमन रेशियो कहे हाफ, यानी अगला टर्म इसको हाफ से गुना कर दीजिए, पांच गुने हाफ, फिर पांच बटे दो गुने एक और हाफ करते जाइए, सीक्वेंस कंप्लीट होता जाएगा। अगर हम कॉमन रेशियो कहें वन, पहला टर्म पांच, सीक्वेंस कंप्लीट कीजिए कॉमन रेशियो वन, तो वन गुना कीजिए पांच, फिर गुना कीजिए पांच। अगर ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हम देते हैं फाइव 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 फाइव, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का डेफिनेशन है कि किसी को उसके प्रीवियस से डिवाइड कीजिए, सेम नंबर अगर आ रहा है। और थोड़ी देर पहले देखे थे कि इस सीक्वेंस को हम लोग एपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिस माइनस दिस करने पर जीरो आता है, दिस माइनस दिस, यानी इस सीक्वेंस को हम एपी भी बोल सकते हैं और जीपी भी बोल सकते हैं। जो डेफिनेशन है उसमें फॉल करता है ना, ये एपी के डेफिनेशन में भी और जीपी के डेफिनेशन। अब लेकिन इसको नहीं बोल सकते हैं एपी, दिस माइनस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस माइनस दिस इज नॉट इक्वल, लेकिन जीपी इसको दोनों कह सकते हैं, एपी भी और जीपी भी। और देखें, पहला टर्म है पांच और कॉमन रेशियो है माइनस टू, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से, पांच गुने माइनस टू तो माइनस टेन हो जाएगा। अब फिर इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तब अगली बार प्लस ट्वेंटी हो जाएगा, फिर इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर्टी हो जाएगा। वो ये रहा है पांच गुने माइनस टू, एक नेगेटिव नंबर है, पांच गुने माइनस टू इंटू माइनस टू अब पॉजिटिव हो जा रहा है, पांच गुने माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू फिर नेगेटिव। हम आपको कुछ एग्जांपल्स देके दिखा रहे हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का टू मेक यू कंफर्टेबल। अगर हम ए कह दें कि पहला टर्म है किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का और कॉमन रेशियो है आर, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए गुने आर, यही डेफिनेशन है, इसमें बुद्धि कहां लगाना है। नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, जितना टर्म बोलिए हम निकाल के रख देंगे, जैसे यहां पे हम निकाल के रखे ना, जैसे ही आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताए हम सारा टर्म बता दिए, खाली ऐड ही ना करना था, इस बार गुना करना है। कैसे निकलेगा, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए ए को गुना किए हैं एक आर से, थर्ड टर्म निकालने के लिए दो आर से, फोर्थ टर्म यानी कि अगर हम nth टर्म कहें कि बताइए फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर, तो nth टर्म कहें कि निकालिए तो कैट आर से गुना करेंगे n माइनस वन आर से, एक टर्म यानी r टू द पावर n माइनस वन। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट टर्म है एक बटे तीन, कॉमन रेशियो है दो, तो नेक्स्ट टर्म विल बी वन बाई थ्री टाइम्स टू, वन बाई थ्री टाइम्स टू स्क्वायर, वन बाई थ्री टाइम्स टू क्यू। अगर इस सीक्वेंस का हम कहें कि फिफ्थ टर्म बताइए, तो पहला टर्म को गुना करेंगे टू टू द पावर कितना से, इससे एक कम, फोर से गुना करेंगे।
अब आपको फिफ्थ टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यही होगा। अगर हम कहें कि इस सीक्वेंस का 55th टर्म बताइए, मन में बोल रहे हैं हम, देखिए फर्स्ट टर्म लिखे, फर्स्ट बोले, फर्स्ट टर्म लिखे, मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो टू द पावर 55 माइनस 1, यही होगा इसका 55वां टर्म सीक्वेंस का। और इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का? ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम किस स्थिति में कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है? कोई भी तीन टर्म ले ले हम इस सीक्वेंस का, थ्री सक्सेसिव टर्म्स, जैसे यहां पे एक कंडीशन ढूंढे वैसे यहां ढूंढेंगे, तो दिस बटे दिस ए एन बटे ए एन माइनस वन मस्ट इक्वल ए एन प्लस वन बटे ए एन, इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं इसी टर्म। तो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए एन स्क्वायर मस्ट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, ए एन स्क्वायर, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। अब ये कंडीशन हमको याद हो जाना चाहिए, जब भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का बात होगा तो एक टर्म बता दीजिए उसका और कॉमन रेशियो बता दीजिए, हम सब बता दें। अगर आप एक नंबर बोले हैं, एक बड़ा सा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, कोई एक नंबर बीच का कहीं का बता दिए सीक्वेंस का और कॉमन रेशियो कहे हैं कि हाफ है, तो इसके आगे का टर्म सब हम लिखेंगे, पांच गुने हाफ, पांच गुने हाफ स्क्वायर, पांच गुने हाफ क्यूब, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके पहले का क्या लिखें? पांच गुने दो, क्योंकि दिस बटे दिस हाफ होना चाहिए, और इसके पहले का पांच गुने दो स्क्वायर, एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से तो ई मिलना चाहिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से तो ई मिलना चाहिए, और इसको हाफ से, हाफ से, तो हम कहीं भी पूरे सीक्वेंस में एक टर्म लिख दें और कॉमन रेशियो बता दें तो उसके आगे का और उसके पीछे का जहां तक भी आप बोलिएगा लिख देंगे। अगर आप फर्स्ट टर्म बोले पांच और एक अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखिए विथ कॉमन डिफरेंस थ्री, तो आगे का टर्म पांच प्लस तीन, पांच प्लस तीन प्लस तीन माने दो इंटू तीन, पांच प्लस तीन इंटू तीन, पांच प्लस चार इंटू तीन, एक एक तीन बढ़ाते जा रहे हैं। आप पीछे का पांच माइनस तीन, पांच माइनस दो गुने तीन, पांच माइनस तीन गुने तीन, काहे समझना जरूरी है? हम इसमें तीन ऐड करेंगे तो ई मिलेगा, इसमें तीन ऐड करेंगे तो ई मिलेगा, इसमें तीन ऐड करेंगे तो ई मिलेगा, इसमें, इस दिशा में आप इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं। एक टर्म खाली बता दीजिए, हम सब टर्म बता देंगे, क्योंकि हमको पैटर्न पता है, अनगिनत पैटर्न हो सकता है, हम आपको सिर्फ तीन ही सिखाने जा रहे हैं और उनका नाम भी रखने जा रहे हैं, अरिथमेटिक पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न एंड हार्मोनिक पैटर्न। आपके सिलेबस में इतना ही है, नहीं तो पूरा इतना मोटा किताब लिखा जा सकता है सिर्फ सीक्वेंसेस पे, ये भी तो एक सीक्वेंस है। इतने के बाद अब कहे कि नेक्स्ट लिख दीजिए, तो नेक्स्ट लिखिए, फोर स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 4 ये भी एक सीक्वेंस है, बाई 6 स्क्वायर प्लस 5। अब इनफाइनाइट सीक्वेंसेस है, कोई अंत ही नहीं है, जो मन आप बना सकते हैं पैटर्न। हमको सिर्फ तीन सीक्वेंस को पढ़ना है और उनको एक नाम भी दे देना है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। इस सीक्वेंस को देखिए, किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को कब कहेंगे कि वो हार्मोनिक सीक्वेंस है? तब जब हर टर्म का हम रेसिप्रोकल ले लें, और अगर ये सीक्वेंस अब एपी में हो जाए तो हम इस सीक्वेंस को कहेंगे एचपी में है। जैसे एक बटे पांच, एक बटे सात, एक बटे नौ, एक बटे ग्यारह, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए हैं,
ये एपी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं एपी नहीं है कि नहीं। दिस माइनस दिस का वैल्यू निकाल लीजिए, 1/7 माइनस 1/5 माइनस 2/35। अब दिस माइनस दिस का वैल्यू निकालिए, 1/9 माइनस उतना ही अगर आ गया, खाली उतना से नहीं होता है, फिर दिस माइनस दिस भी देखना होगा, सारा होना चाहिए तभी कहेंगे आप अरिथमेटिक है। तो आप चेक तो कर सकते हैं ना, एक ही तो देख करके पता चल जाएगा। तो माइनस 2/63, अब ये दोनों नंबर डिफरेंट है, यानी ये एपी तो नहीं है पक्का, नॉट एपी। जीपी है कि नहीं, जीपी चेक करने के लिए डिवाइड कीजिए 1/7 बटे 1/5 विच इज 5/7, फिर 1/9 बटे 1/7 विच इज 7/9। ये नंबर सेम नहीं है, यानी जीपी भी नहीं है। एचपी है कि नहीं, हमको तीन ही सीक्वेंस से मतलब है, इसलिए अगर चौथा हम कुछ पूछेंगे नहीं आपसे, इज इट एचपी। तो एचपी का कंडीशन ये है कि इन नंबर्स का हम रेसिप्रोकल लिख लें, 5, 7, 9, 11, अगर ये एपी में है तो हम इसको कहेंगे एचपी में, यही डेफिनेशन है। तो चूंकि ये एपी में दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस 2, इसका मतलब ये एचपी है। एक एग्जांपल दिए हम आपको एचपी का, जितना बोलिए एचपी सीक्वेंस का एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी एक एपी लिख लेते हैं, 5, 2, -1 हम -3 ऐड कर रहे हैं, -4, -7, -10, इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1/5, 1/2, 1/-1 यानी -1, 1/-1/4, -1/7, -1/10 .. अब ये सीक्वेंस अगर आपको हम देते हैं, ऐसा एक सीक्वेंस देते हैं, ये नहीं देंगे ये देंगे, तो ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, एचपी है। कैसे मालूम? बस हर नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे, वो एपी में अगर है तो इसको एचपी कहेंगे। That is the definition of HP. Mathematically, उसका definition कुछ ऐसा है, अगर ये sequence of numbers दिया हो तो ये HP में हो, इसके लिए क्या mathematical condition satisfy होना चाहिए? तो इसका reciprocal अब ये AP में होना चाहिए, अर्थात कोई भी तीन number ले लें हम इस sequence का, successive तीन term, तो दिस माइनस दिस मस्ट इक्वल दिस माइनस दिस, ये है कंडीशन फॉर एपी। अब हम 1/n दोनों तरफ ऐड कर दें, 2/n इक्वल टू इतना, दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर एचपी। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ए एन विल बी इन एचपी इफ दिस कंडीशन, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ए एन will be set to be in AP if GP if। HP के बारे में बस इसके अलावा और कोई पढ़ाई नहीं करना है। अब कल्पना कीजिए कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस यहां लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिख रहे हैं, 5, 7, 9, 11, बस आगे हम .. करके छोड़ दिए। अगर हम इन सब को कहें कि ऐड करके बता दीजिए, इस सीक्वेंस का 10 टर्म ऐड करके बता दें, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस .. अप टू 10 टर्म्स। अब इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, अब इसको सीक्वेंस नहीं बोलते हैं। सीक्वेंस तब बोलते हैं जब कॉमा देकर के नंबर सिर्फ लिखा हो, बट जब ऐड करने बोलेंगे नाउ इट इज कॉल्ड अ सीरीज। हम इसको कैपिटल एस सिंबल से डिनोट करेंगे और एस 10 लिख देंगे, सम टू 10 टर्म्स। अगर हमको 12 टर्म तक सम करना हो तो हम एस 12 लिख देंगे, एन टर्म्स तक का कहें कि एक फॉर्मूला बना दीजिए, तो एन टर्म्स तक का एस एन लिखेंगे, ताकि अगर फॉर्मूला बन गया, जैसे एक फॉर्मूला बन गया ना, यहां अगर कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म 5 ए लिख रहे हैं और कॉमन डिफरेंस -3, कहें कि इसका nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला बता दीजिए, ये फर्स्ट nth टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, यहां लिख रहे हैं -3 टाइम्स, इक्वल टू 5 -3n, यहां हो जाएगा, और 5 प्लस 3 8, यानी इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का
अब जो टर्म बोलिए निकाल देंगे, एन का वैल्यू डालेंगे, फर्स्ट टर्म चाहिए तो एन की जगह वन डालेंगे, 8 - 3 = 5 आएगा। सेकेंड टर्म चाहिए तो इनके जगह 2 डाल देंगे, 8 - 6 आएगा, एंड सो ऑन एंड सो। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अगर हम इससे पहले वाला टर्म्स जानना चाहते हैं तो उनको a0 बोलेंगे, a-1 बोलेंगे, a-2 बोलेंगे। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म 5 लाए हैं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, इस फंक्शन, ये फंक्शन है फंक्शन ऑफ n, यहां n का वैल्यूज डालिए, सिर्फ इंटीजर्स डालना है, 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2। तो हम जब 1 डाले तो फर्स्ट टर्म आ गया, 2 डाले तो सेकेंड टर्म आ गया 2, और 3 डाले तो -1 आ गया, 8 - 9 - 1, और 0th टर्म निकाले तो 8 - 0 = 8 आ गया। ये -1th टर्म, n के जगह -1 लिखेंगे 8 + 3 = 11, और फिर n के जगह -2 लिखेंगे 8 + 6 = 14, सब में -3 ऐड हो रहा है, 14 में -3, 11 में -3, इसमें -3 ऐड हो। तो हम अगर ऐसा फॉर्मूला जैसे बनाए हैं, वैसा हम फॉर्मूला कहें कि बना दीजिए इस सीक्वेंस का n टर्म्स तक अगर हम कहें कि ऐड करना है, फर्स्ट टर्म से लेकर के 20 टर्म, 25 टर्म, 50 टर्म, तो गिव मी अ फंक्शन, ताकि अब जब हमको कहिएगा s10 का वैल्यू बताइए, यानी सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो हम खाली उस फंक्शन में n के जगह 10 डालेंगे और आंसर आ जाएगा। ऐसा एक फंक्शन बना दीजिए, ऐसा फंक्शन हमको बनाना है इसके लिए भी और इसके लिए भी, उसके लिए कुछ नहीं करना है, नहीं nth टर्म निकालने के लिए कोई फार्मूला बनाना है जैसा इसमें बनाए हैं, और ना ही सम टू n टर्म्स के लिए कोई फार्मूला बनाना है। अभी बनाएंगे, इसमें भी बनाना है, उसमें भी बनाना है, चलिए बनाते हैं। a + d, a + 2d, a + n - 1d, n टर्म्स तक हम ऐड कर दिए, फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म्स तक का सारा टर्म को ऐड करना है, एक फॉर्मूला बनाना है, सम टू फर्स्ट n टर्म्स, n = 1 to n = n टर्म्स। सिर्फ दो सीक्वेंस के लिए फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। देखिए फॉर्मूला बना रहे हैं, हम इसी सीक्वेंस को पलट के लिख रहे हैं, यानी हम लास्ट टर्म को यहां लिख रहे हैं a + n - 1d, और उसके पहले वाले टर्म को यहां a + n - 2d, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम लोग जानते हैं एडिशन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, 2 + 3 + 5 + 7 का वैल्यू बताना है तो हम पहले 7 + 5 + 3 + 2 लिख सकते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो हम उलट के लिखती है डॉट डॉट डॉट, और यहां एक टर्म था a + a - 2 times d, इससे जस्ट पहले वाला, ये nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, यहां a2 होगा और लास्ट में a1, हम उलट के लिख दिए। अब हम ऐड कर रहे हैं, इन दोनों का सम को लिखेंगे ट्वाइस sn, निकालना sn है। अब इनको ऐड करते हैं, ये 2a है प्लस इन दोनों टर्म को हम ऐड कर रहे हैं n - 1d। ये सब काम हम नहीं कर रहे हैं, ये सब काम करने वाले मैथमेटिशियन का नाम है गॉस, 6th standard की बोलेंगे, 6th class में पढ़ने वाला बच्चा, बाद में जाकर के तो ये ही केम टू बी नोन एज द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, उनके जीवन का ये शुरुआती कुछ फॉर्मूला सब है जो वो डिराइव किए थे। गॉस बहुत जीवन में काम किए हैं, मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी उनका योगदान बहुत ज्यादा है, उसमें एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन ये भी है, कितना सिंपल तरीका वो निकाल रहे हैं, इसको ऐड करके एक फॉर्मूला लाएंगे वो, हम लोग खाली रटेंगे। फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 2a +
एन माइनस टू टाइम्स डी है और एक और डी यहां पे है, एन माइनस टू प्लस वन टाइम्स डी, डी कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस वन टाइम्स डी आएगा। इन दोनों का सम भी वही आ गया। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं आप, यहां ए प्लस टू डी है, ये वाला टर्म एन माइनस थ्री टाइम्स डी है, ऐड कीजिएगा तो फिर यही टर्म आ जाएगा टू ए प्लस एन माइनस, यानी इतना वैल्यू उतना ही उतना ही उतना ही, ए भी उतना ही, और टोटल कितना ऐसा ऐसा है एन, एक दो तीन एन ऐसा ऐसा है, यानी फाइनल आंसर दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाई एन आएगा। अब हम टू से डिवाइड कर दें और एक फॉर्मूला आ गया एन बाई टू टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग इस रिजल्ट, हम अभी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में है, नंबर्स जोड़ रहे हैं ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए, ध्यान से देख लीजिएगा तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, फिर फॉर्मूला सिर्फ खिलौना जैसा लगेगा। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, उनको हम ऐड कर रहे हैं, यानी इसको अरिथमेटिक सीरीज बोल रहे हैं। हम लोग को यहां ये पता है कि ये टर्म इससे d अधिक है, हमारे d नेगेटिव नंबर है तो d कम हो जाएगा, अगर d पॉजिटिव नंबर ऐड करिएगा तो बड़ा और बड़ा होता जाता है, नेगेटिव नंबर ऐड कीजिएगा तो टर्म्स छोटा और छोटा होता जाता है। तो d ऐड किए हैं, उसमें d उसमें d, अब उलट के लिख दीजिए ए एन प्लस ए एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां ए टू प्लस ए वन, उलट के फर्स्ट टर्म जो था वो लास्ट टर्म हो गया, जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म हो गया, और ऐड करते हैं ट्वाइस एस एन इक्वल टू दिस प्लस दिस ए वन प्लस ए एन, पहला दिस प्लस दिस कितना आएगा, ए टू मतलब इसमें डी ऐड किए हैं और ए एन माइनस वन मतलब ए एन में से डी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए एन से डी कम होगा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू डी अधिक होगा, तो इसमें से एक नंबर जो है इससे डी बड़ा है और दूसरा नंबर इससे डी मात्रा से छोटा है, तो ऐड करने पर फिर ए टू प्लस ए एन माइनस वन का वैल्यू एग्जैक्टली ए वन प्लस ए एन के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ए टू जो था वो ए वन प्लस डी था और ए एन माइनस वन जो था वो इससे एक पहले वाला टर्म वो ए एन माइनस डी था, तो दोनों को जब आप ऐड किए तो वो इक्वल टू ए वन प्लस ए एन के बराबर होगा। अगला ए थ्री और ए एन माइनस टू को ऐड करिएगा तो ये टर्म इससे टू डी अधिक है और ये वाला टर्म इससे टू डी कम है, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो फिर उतना ही के बराबर आ जाएगा, यानी एन इक्वल टर्म्स आएगा, तो ट्वाइस एस एन का जो वैल्यू आएगा वो ए वन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे टू। दो फॉर्मूला ला रहे हैं ए वन प्लस ए एन इंटू एन नंबर ऑफ टर्म्स बटे टू, ये दो फॉर्मूला दोनों सेम फॉर्मूला है, क्यों, देखिए हम अगर यहां पे टू को यहां लिख दें तो ये ए वन प्लस ए एन ही तो लिखा है, ये ए वन मैंने फर्स्ट टर्म वॉज ए एन मतलब एनथ टर्म वॉज दिस मच, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो एक्चुअली ब्रैकेट में जो यहां लिखा है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखा है, हम उसको अगर टू से डिवाइड कर दें, अ नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दें, लुक एट दिस ब्यूटिफुल फॉर्मूला, हम लोग क्या सीखे हैं उसको जरा देख लें। कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस आपको हम दें और कहें कि जोड़ डालिए, पांच से लेकर के एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है कॉमन डिफरेंस टू एंड फर्स्ट टर्म फाइव और इसका हमको 50 टर्म्स ऐड कर दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टिल द 50th टर्म,
तो हम एस 50 लिखेंगे और सीरीज लिखने जा रहे हैं 5 + 7 + 9 + ये नहीं लिखा जाता है, फॉर्मूला याद है, हमको डायरेक्टली यूज करना होता है। पर एक बार कंफर्टेबल हो जाइए, 50th टर्म क्या होगा, विच इज द लास्ट टर्म, 5 + 49 × d, d ऐड कर रहे हैं ना, तो कैट हो d ऐड करेंगे, 50th टर्म के लिए 49 d's ऐड कर देंगे, एक कम, तो 98 + 5 = 103 है 50th टर्म। अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म है तो ये मेरा 50th टर्म होगा। यहां 50 नंबर लिखा है और हम इसका सम चाहिए, तो फॉर्मूला के अनुसार अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, ये ना एक बड़ा सुंदर नंबर है, वो एवरेज जैसा निकल गया। ये सीक्वेंस का जो टर्म सब को हम अगर एक वर्टिकल लाइन के रूप में ड्रॉ करें, 5 हाइट का 7 हाइट का 9 हाइट का 11 13, इस तरह से एक इन सब के माथा को अगर हम ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि सब इक्वल इक्वल मात्रा से ग्रो कर रहा है। इसके तुलना में ये लंबाई 2 यूनिट्स अधिक है, तो अगर हम बराबर बराबर दूरी पे इन डंडों को खड़ा किए हैं और सब बराबर बराबर मात्रा से इंक्रीज कर रहा है, 2 फिर 2 इसमें 2 फिर इसमें 2, तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। अंतिम टर्म है 103 हाइट का और पहला टर्म है 5 हाइट का, तो अगर हम दिस प्लस दिस करके 2 से डिवाइड कर दें, 108 / 2 विच इज 54, तो ये समझिए कि एक एवरेज हाइट है जो आप निकाल चुके हैं। हर कोई का हाइट अलग है, एक एवरेज हाइट, यानी यू कुड रिप्लेस इनके वेरिएबल हाइट्स को रिप्लेस कर सकते हैं एज इफ कि 50 लोग खड़ा है, ऑल ऑफ सेम हाइट, हाउ मच हाइट, वही एवरेज हाइट 54। आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इतना प्लस, अगर आपको 54 + 54 + 54 करना होता 50 को, तो वो तो आसानी से कर लेते ना, 50 से केवल गुना कर देते 54। सो द आइडिया इज कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में अगर नंबर्स लिखा हो और आपको ऐड करने भूलें, तो आप पहला टर्म और आखिरी टर्म को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए, आपको मिलेगा जो नंबर, वो समझिए कि उस अरिथमेटिक सीक्वेंस का एवरेज वैल्यू है। यू कैन रिप्लेस दिस सीक्वेंस विद वन कॉमन नंबर 54 54 54, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए विद द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, व्हाट यू गेट इज द सम ऑफ द सीरीज। ये फॉर्मूला याद करें कि ये तो दोनों याद कीजिए, इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहां a1 + an लिखा है, फर्स्ट प्लस लास्ट, यहां भी फर्स्ट प्लस लास्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट इज a एंड द लास्ट, निकाले ना आप, अभी तो निकाले हम लास्ट। जैसे हमको ये फॉर्मूला कोई दे और कहे कि s 50 का वैल्यू बताइए, तो हम थोड़े ही सब चित्र बनाएंगे और ये सब तो आपको सिखा रहे हैं ना, हम लोग सीख रहे हैं सब, हम सीधे आंसर लिखेंगे, आई यूज दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 n बाय 2 इंटू 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 49 टाइम्स d। बस ये फॉर्मूला रटे हुए हैं, खाली वैल्यूज डाले, n के जगह 50, a के जगह 5, d के जगह 2, आंसर कैलकुलेट कर लें। वी हैव अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला थैंक्स टू गॉस। एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को ऐड करने के लिए कहें तो a एक टर्म, a r square, a r to the power n minus 1, n टर्म्स हम लिखे हैं, पहला दूसरा तीसरा nth टर्म, और इन सब को हम ऐड करने बोल रहे हैं हम। सो नाउ दिस इज नो मोर अ सीक्वेंस, इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में अंतर है, सीरीज जब जोड़ने के लिए कहेंगे तो सीरीज कहलाएगा, कॉमा कॉमा करके आप लिख दीजिएगा नंबर्स को तो कहेंगे एक सीक्वेंस है। इसको कैसे जोड़े, अगेन विल थैंक गॉस, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बता दें, फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन रेशियो 1/3,
यानी अगला टर्म 2/3, अगला 2/3 स्क्वायर, 2/3 क्यूब, डॉट डॉट डॉट। इस नंबर से छोटा है ये नंबर, 2/3, उसका एक तिहाई, उसका एक तिहाई। इसको अगर हम खड़ा करें सबको ऐसे जैसे यहां खड़ा किए हैं, तो एक हाइट, दो हाइट का, इसका एक तिहाई, 1/3, उसका एक तिहाई, फिर उसका एक तिहाई, एक तिहाई, गायबे हो रहा है बड़ी तेजी से। बट इन सबको ज्वाइन कीजिएगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, यानी इसमें इतना सरल फॉर्मूला नहीं आएगा कि इन सबको रिप्लेस कर दें बाई एन एवरेज हाइट, फर्स्ट प्लस लास्ट 2/3, नहीं नहीं आता है, वो इसी में आता है। तो लेट अस फॉलो व्हाट गॉस सेड, द जीनियस गॉस, ही सेड कि हम इस सीरीज को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं आर से। अच्छा, कर देते हैं, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर एन। अब कहते हैं गॉस की जरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस माइनस दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज दिस मच, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दिस माइनस दिस, तो ये टर्म सब कट जाएगा, यहां ए आर टू द पावर एन माइनस टू था, आर से जब मल्टीप्लाई किए तो यहां ए आर टू द पावर एन माइनस वन हो गया, कट गया, केवल बचाएगा अब दिस माइनस दिस कर रहे हैं, तो केवल बचेगा ए माइनस ए, वन माइनस आर टू द पावर एन, और वन माइनस आर से डिवाइड करके आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब हमको ये फॉर्मूला याद करना है, यहां लिख रहे हैं सम टू एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म इंटू वन माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर, जितना टर्म्स ऐड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉमन रेशियो, ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल चेक कर लें, अगर हम आपको फर्स्ट टर्म दे दें 3 और कॉमन रेशियो दे दें 1/2, और कहें कि 5 टर्म तक का सम कीजिए, S5 का वैल्यू निकालिए, तो हम कुछ भी नंबर S50th भी कर सकते हैं। तो अब आपको S5 निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मुंह से बोलना जरूरी होता है, फर्स्ट टर्म बोले मुंह से 3 इंटू, मुंह से बोल रहे हैं मन में, अभी आपके सामने जोर से बोल रहे हैं, और एक्चुअली में जब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो मन में बोलिए 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स 1/2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, बस इसका जो भी वैल्यू होगा उतना सम होना ही है। हाँ, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। तो हम 2/5 का वैल्यू तो हम जानते हैं 32 होता है, तो ऊपर में 1 माइनस 1/32 है, और नीचे में 1 माइनस 1/2 का वैल्यू 1/2 होता है, ऊपर में 31/32 हो गया, इंटू 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और 2 से कट के 16, और मल्टीप्लाई होकर के 93/16। इस सीक्वेंस का 5 टर्म, 3 + 3/2 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब प्लस 3/2 to the power 4, यही निकाले हैं आप S5, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म, इसका सम इतना होगा। एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हम आपके सामने बना रहे हैं, फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन रेशियो है एक फ्रैक्शन 1/3। अब हम इसको पहला टर्म का हाइट 5 बनाए, दूसरे का बड़ी छोटा हो जाएगा, 5/3 इसका एक तिहाई, अब तीसरा तो इसका एक तिहाई, फिर एक तिहाई, अब तो बना भी नहीं पाएंगे, अब आपको दिख भी नहीं रहा होगा, दिखना बंद हो जाएगा। यानी इस सीक्वेंस का जो टर्म्स है वो मैग्नीट्यूड में छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होते होते धीरे धीरे शून्य की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका nth टर्म निकालिएगा 5 टाइम्स कॉमन रेशियो टू द पावर n-1, ये इसका nth टर्म होगा, यानी ऐसा।
तो जैसे जैसे n का वैल्यू लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, 3 to the power, अगर 50th टर्म निकालिएगा तो 5/3 to the power 49, 500th टर्म निकालिएगा तो 5/3 to the power 499, ये डिनोमिनेटर लार्ज, एंड रेसिप्रोकल ऑफ लार्ज बिकम्स स्मॉल, यानी कि इसका जो सीक्वेंस है धीरे धीरे an का वैल्यू जीरो अप्रोच करेगा, ये संख्या का वैल्यू 0.000, नेक्स्ट वाला और छोटा, एज n अप्रोचेज इंफिनिटी। एक स्टेटमेंट लिखे हैं, इस सीक्वेंस को देख करके हम लिखे हैं ऐसा कोई एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, यही भाषा है हमारा, पढ़िए क्या लिखे हैं, लिखे हैं an अप्रोचेज जीरो, लिखे तो नहीं है अप्रोचेज, हाँ हम लोग तो सिंबल्स में ही ना बात करते हैं मैथमेटिक्स में, पर एक्चुअली दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर अप्रोचेस, एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी। अगर यही फर्स्ट टर्म 5 होता, अ कॉमन रेशियो फ्रैक्शन नहीं मान लीजिए 3 होता, तब सीक्वेंस कैसा होता, नया चित्र बना रहे हैं, पहला टर्म 5 होता, छोटा बनाए हैं क्योंकि अगला टर्म इसका तिगुना बनाना है, इस बार फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन रेशियो 3 है, और फिर अगला इसका तिगुना, फिर उसका तिगुना, फिर उसका तिगुना, तो इस बार हम क्या बोलेंगे, nth टर्म अप्रोचेज व्हाट, इनफाइनाइटली लार्ज होता जाएगा एज n अप्रोचेज इंफिनिटी, यानी n के वैल्यू को जैसे जैसे बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जाएंगे, जो इस सीक्वेंस का जो टर्म्स है उनका भी मैग्नीट्यूड बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा। एक और एग्जांपल लें, अगर हम आपको फर्स्ट टर्म दे दे 5 और कॉमन रेशियो दे दे -1/3, तो पहला टर्म हम बनाए हैं चित्र में 5 हाइट का, अगला टर्म निकालने के लिए 5 को गुना करेंगे -1/3 से तो नेगेटिव नंबर आएगा, उसको नीचे बनाएंगे और उसका साइज होगा इसका 1/3, साइज 1/3 लेकिन नेगेटिव नंबर, फिर अगला टर्म इसमें गुना करेंगे -1/3 तो अभी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा लेकिन साइज इससे इसका 1/3 पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट टर्म में -1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1/3 साइज का होगा लेकिन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड घट रहा है इसमें कोई शंका नहीं है। ऑल्टरनेट टर्म्स 5 -5/3, 5/3 स्क्वायर, -5/3 क्यूब, 5/ ऑल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस हो रहा है, गुणा कर रहे हैं ना आप नेगेटिव नंबर, लेकिन मैग्नीट्यूड तो घट रहा है, यानी इस केस में भी आप बोल सकते हैं ऐसा एक स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टर्म अप्रोचेज जीरो एज एन अप्रोचेज इंफिनिटी। और अगर कॉमन रेशियो एक नेगेटिव नंबर होता -3, लेकिन फ्रैक्शन नहीं, अब पहला नंबर 5, दूसरा नंबर इसका तिगुना बड़ा लेकिन नेगेटिव, बड़ा तिगुना, तीसरा नंबर इसका तिगुना लेकिन पॉजिटिव नंबर, फिर उसका तिगुना नेगेटिव नंबर, यानी इस केस में भी आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड अप्रोचेज इंफिनिटी, मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो लार्ज और लार्ज और लार्ज होता जाएगा एज एन अप्रोचेज इंफिनिटी। तो अभी हम एक महत्वपूर्ण बात सीखे हैं यहां, अगर आर कॉमन रेशियो मैग्नीट्यूड में 1 से छोटा नंबर हो, यानी आर कोई नंबर हो बिटवीन -1 to 1, तब जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है उसके बारे में हम ऐसा बात बोल सकते हैं, जैसे जैसे एन का वैल्यू लार्ज लेंगे वैसे वैसे nth टर्म का मैग्नीट्यूड छोटा और छोटा और होता जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है लेकिन साइज में छोटा होता जाएगा। और अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ मैग्नीट्यूड में, यानी आर का वैल्यू हम 1 से बड़ा कोई भी संख्या दें तो साइज बड़ा होता जाता है, या हम नेगेटिव नंबर भी दे दें -1 से छोटा तो अब ऑल्टरनेट करेगा टर्म्स का वैल्यूज लेकिन साइज में तो बड़ा होता जाएगा।
यानी हम ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं, इफ आर मैग्नीट्यूड में एक से बड़ा हो तो ये बात सत्य होगा। क्या महत्व है इस स्टेटमेंट का बताने जा रहे हैं। ऐसे सीक्वेंस को जिनका कि टर्म्स का मैग्नीट्यूड छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाए, भले वो प्लस माइनस हो लेकिन मैग्नीट्यूड में छोटा हो रहा अगर, तो वैसे सीक्वेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग सीक्वेंस। कन्वर्जिंग छोटा और छोटा और छोटा कन्वर्जिंग सीक्वेंस बोलते हैं। और ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग, जो फैलता जा रहा है बड़ा और बड़ा। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग मतलब सिमटना, डाइवर्ज करना माने छितराना। डाइवर्जिंग सीक्वेंस माने ये किसी भी सीक्वेंस के लिए हो सकता है ये बात। जिस किसी सीक्वेंस में भी आप इस बात को ऑब्जर्व करें, फॉर लार्जर एंड लार्जर टर्म्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द टर्म बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो आप उस सीक्वेंस को कह सकते हैं कन्वर्जिंग। हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपके लिए कंडीशन लाए हैं कि कब कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को कह सकेंगे आप कि वो कन्वर्जिंग स्वभाव का है, ये याद रखना है। माने समझ के अगर उसका कॉमन रेशियो मैग्नीट्यूड में एक से छोटा नंबर हो, अर्थात माइनस वन से वन के बीच में हो, इक्वल टू वन नहीं, इक्वल टू वन अगर कॉमन रेशियो हो गया तो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रहा है। फर्स्ट टर्म 5, कॉमन रेशियो 1, तो टर्म्स का जो साइज है वो मेंटेन्ड है, छोटा और छोटा और छोटा होते जाना चाहिए। तो आपको ये कंडीशन याद रखना है। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस कब कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हो सकता है, लेट अस सी। फर्स्ट टर्म 5 ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं +2, तो अगला टर्म बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अच्छा ये तो डाइवर्जिंग हो गया। अच्छा कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, यहां फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं, यहां पॉजिटिव नंबर लीजिएगा तो एड प्लस एड प्लस एड प्लस एड तो बड़ा होता जाएगा। आप पॉजिटिव फ्रैक्शन ऐड कीजिए, +0.2 रख लीजिए कॉमन डिफरेंस, तब भी तो 5 अगर है तो अगला 5.2 5.4। और अगर हम कॉमन डिफरेंस एक नेगेटिव नंबर ले लें -2, पहला टर्म 5, अगला टर्म 5 में से दो -2 ऐड कर दीजिए 3, फिर -2 ऐड कर दीजिए 1, फिर -2 ऐड कर दीजिए -1, -2 ऐड कर दीजिए -3, -5, -7, इस तरह से इन सब के माथा को अगर कनेक्ट कर देना तो सब एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। ये भी डाइवर्जिंग सीक्वेंस है, कन्वर्जिंग नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बड़ा ही होता जा रहा है। मैग्नीट्यूड छोटा और छोटा और छोटा होना जाना चाहिए। सो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस किसी भी स्थिति में कन्वर्जिंग हो ही नहीं सकता है, इट विल ऑलवेज बी डाइवर्जिंग। केवल एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कन्वर्जिंग सीक्वेंस हो सकता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेशियो इज लेस देन 1। क्या महत्व है इसका देखिए। अगर आपको हम एक सीरीज दें 5+7+9+11, इसको ऐड कर दीजिए तो हम लिखे ही नहीं कैटर। हाँ जब तक वो नहीं लिखेंगे आप कहां तक ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये तो अनंत बड़ा होता जाएगा। 5 में 7 ऐड किए 12 आया, 12 में 9 ऐड किए 21 आया, 21 में 11 ऐड किए 32 आया, कहां तक जाए हम, क्योंकि नंबर तो बड़ा होता जाएगा बड़ा। अगर हम कह दें कि 20 टर्म तक ऐड कर दीजिए, हाँ आप ठीक है हम ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स n by 2 into 2a plus n minus 1 times common difference हो गया, ऐड हो गया आंसर। 200 टर्म तक ऐड कर दीजिए, हाँ कर देंगे 200/2 2a plus 199 times आंसर हो गया, जितना बोलिए। अगर कहें कि इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐड कीजिए तो हम कैसे ऐड करेंगे, व्हाट डू आई मीन बाय इनफिनाइट, नहीं ऐड कर सकते। ये एक डाइवर्जिंग सीक्वेंस है जिसका साइज बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। और आप कह रहे हैं कि अनंत तक ऐड करते रहो तो मेरा तो जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन तब भी ये रुकेंगे नहीं, चलते चले जाएंगे। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर कन्वर्जिंग सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ऐड कीजिए,
इतना प्लस 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 इतना को ऐड कर दीजिए 50 टर्म तक, तो क्या फर्क पड़ता है? हम केवल 4 टर्म भी ऐड कर दें और उसमें पांचवा टर्म तो ऑलमोस्ट 0.000 हो गया है, ये तो और 0.000000। इन सब में ऐड कर, ये 5 है प्लस कुछ 5/3 है, 5/3 स्क्वायर, 5/3 क्यूब, अगला टर्म तो इन सब के तुलना में एक समंदर में एक लोटा पानी जितना औकात है इनका। एक समंदर में एक लोटा पानी और ऐड कर दीजिए, हाउ डज इट मैटर? तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जिंग स्वभाव का है, अब ऐसे सीक्वेंस को हम कहें कि इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐड कर दीजिए, एस इंफिनिटी, नाउ इट इज अ मीनिंगफुल क्वेश्चन, हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम इन्फिनिटी तक जाएंगे ही नहीं, हम 8 को 10 को टर्म जोड़ देंगे और उस 8-10 भी बहुत ज्यादा हो गया, हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि अब इसको जोड़ना नहीं जोड़ना व्यर्थहीन है। मतलब एक नंबर आपको आ गया 10 टर्म तक और उसके समथिंग 0.00 something 1/4 और 11वां टर्म ऐड भी किए तो कहीं 20th डेसिमल में जा करके आपको थोड़ा सा शिफ्ट दिखा आंसर में। तो आपसे हम पूछ लेंगे कि कितना प्रिसाइस आंसर चाहते हैं। अगर आप बोलिए कि हम चाहते हैं कि जो आप एक्चुअल आंसर के तुम 1% के अंदर रहिए, मतलब करेक्ट टू 2 decimal प्लेसेस तक हमको चाहिए आंसर, उसके बाद से हमको मतलब नहीं है, तो हम देख लेंगे ऐड करते करते जैवा टर्म के बाद देखें कि अब पहला 2 decimal अब चेंज ही नहीं कर रहा है, ऐड करने पर भी दिस इज नॉट चेंजिंग, तो हम रोक देंगे। यानी कि इट इज पॉसिबल टू ऐड अ कन्वर्जिंग सीक्वेंस टिल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम आपसे कभी एक ऐसा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दें जिसका कॉमन रेशियो मैग्नीट्यूड में 1 से छोटा हो, और कोई भी नंबर देंगे -1 से 1 के बीच में, आप पूछेंगे कि उसका इनफाइनाइट टर्म्स तक जोड़ के बताइए। इफ मॉड आर इज लेस देन 1 देन इट इज अ कन्वर्जिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कन्वर्जिंग जीपी। इन दैट केस हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कह सकते हैं कि निकालिए, मतलब फॉर्मूला तो यही है, और एस इंफिनिटी का मतलब लिमिट एन अप्रोचिंग इंफिनिटी, यानी आपके आंसर को कम मानेंगे करेक्ट, एन के वैल्यू को बड़ा और बड़ा जितना बड़ा तक आप ऐड कर सकते हैं उतना आंसर को करेक्ट माना जाएगा। इसी बात को यहां लिखते हैं इस प्रकार, लिमिट एन अप्रोचिंग इंफिनिटी, और इसका वैल्यू हमको निकल जाएगा तुरंत। देखिए यहां आर जो है, आर एक फ्रैक्शन है, कुछ भी अब इतना टू द पावर एन लिखा है, यहां कल्पना कीजिए 1 - 1/3 raised to the power n, यहां 1 - 1/3 लिखा है और यहां पे जो भी फर्स्ट टर्म होगा लिखा है, एन के वैल्यू को लार्ज और लार्ज करते जाइए, तो जैसे जैसे लार्ज करिएगा ये लार्ज होता जाएगा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ लार्ज, धीरे धीरे ये संख्या 0 की तरफ, आर टू द पावर एन का वैल्यू एज एन अप्रोचेज इंफिनिटी द वैल्यू ऑफ दिस विल स्टार्ट अप्रोचिंग 0, यानी हम अब आर टू द पावर एन के जगह 0 लिखते हैं। जैसे जैसे आप एन को बड़ा लेते जाइएगा ना, वैसे वैसे ये नंबर और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा, और धीरे धीरे ऊपर वाले नंबर का वैल्यू सिर्फ 1 की तरफ अप्रोच करेगा, और आपको फाइनल आंसर सिर्फ बचेगा a/(1 - r)। यानी कि कल को हम खाली पूछेंगे एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है उसका सम बताइए। ऑफकोर्स ये बात तभी पूछेंगे जब कॉमन रेशियो हम देंगे मैग्नीट्यूड में 1 से कम, उसी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, और किसी स्थिति में नहीं पूछेंगे। यानी हम आपसे कहें कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन रेशियो -1/3, इसका इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐड करेंगे एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, तो इसका सम बताइए, और इसका सम निकल जाएगा। यानी आप अगर फॉर्मूला लिखते ना, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस
कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स बटे वन माइनस कॉमन रेशियो लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो आप इसके वैल्यू को जीरो लिख सकते हैं और सिर्फ आंसर बचेगा पांच बटे वन माइनस माइनस एक बटे तीन, यानी वन प्लस एक बटे तीन, पांच बटे चार बटे तीन, पंद्रह बटे चार, यही आंसर होगा। ये हम पूछ सकते हैं इस केस में। और यही कॉमन रेशियो हम अगर कह देते माइनस थ्री, अब हम आपसे नहीं पूछ सकते हैं इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम बताइए, क्योंकि आप यहां लिखते तब फिर माइनस थ्री टू द पावर एन, अब ये कोई निश्चित संख्या की तरफ नहीं कन्वर्ज कर रहा है। यहां एक रियल नंबर लाइन पे ये जीरो है और कोई दो पॉजिटिव नंबर दिखा है ए और बी, एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव। हम आपसे कह रहे हैं कि एक नंबर ढूंढिए ए और बी के बीच में, एक नंबर सच दैट तीनों नंबर एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में हो, फाइंड अ नंबर, दो नंबर के बीच में एक नंबर ढूंढिए। आप जितना नंबर चाहे ढूंढ सकते हैं। अगर आपसे हम कहें कि एक नंबर है रियल नंबर लाइन पे पांच और एक नंबर है पचास, इन दोनों के बीच में तीन नंबर ढूंढिए, ढूंढना है सच दैट कुछ ए बी सी लिख रहे हैं कि अब ये सीक्वेंस 5, A, B, C, 50 एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा तीन नंबर ढूंढ के बताइए। तो कैसे ढूंढेंगे? अगर हम तीन नंबर बीच में डालना है तो अब ये पहला टर्म है और ये पांचवा टर्म हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर तीन नंबर डालना है, ये पहला है तो पांचवा टर्म ही हो जाएगा। तो हमको खाली कॉमन डिफरेंस ढूंढना है बस ना, ये टर्म पता ही है। अगर कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए तो ऐड करते जाएंगे, तो ये फिफ्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस फोर टाइम्स कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 1। इस तरह से आप एक नंबर खोजे डी 50 माइनस 5 बटे 4 45/4। अब यही नंबर ऐड कर दीजिए तो ए हो गया 5 प्लस 45 बटे 4, फिर बी हो गया 5 प्लस 45 बटे 4 एक और 45 बटे 4, और सी हो गया 5 प्लस 135 बटे 4। आप अब लिख के देख सकते हैं 5, 5 प्लस 45 बटे 4, 5 प्लस 90 बटे 4, 5 प्लस 135 बटे 4 और 150। अब ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है। आप दिस माइनस दिस करके देख लीजिए, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, आपको सब में सेम रिजल्ट आएगा। तो कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जितना चाहें? अगर हम कहते हैं कि इन दोनों संख्याओं कोई दो नंबर दे देते हैं, एनी टू नंबर्स ए एंड बी, और हम इन दोनों के बीच में 40 नंबर्स इंट्रोड्यूस कीजिए, 40 सच दैट, अब 42 हो जाएगा टोटल, पहले से दो दिया है, 40 नंबर आप अपने मर्जी से आपको खोजना है, कुछ A1, A2, A3, A40 नाम दे देते हैं। आपको ये 40 नंबर्स ढूंढना है सच दैट कि अब ये A, A1, A2, A40, B एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होना चाहिए। तो सबसे सिर्फ कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए तो हम सब ढूंढते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे? ये पहला टर्म होना चाहिए और ये 42वां टर्म होना चाहिए। तो हम एक इक्वेशन लिखेंगे b बराबर फर्स्ट टर्म प्लस 41d। इस इक्वेशन में अननोन है d और हम d का वैल्यू निकाल लेंगे b माइनस a बटे 41। हम a के बाद वाला टर्म हो गया a प्लस इतना, a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरह से सारा टर्म ढूंढ सकते हैं। अगर हम कोई दो नंबर दे दें और कहें कि इन दोनों नंबर्स के बीच में दो टर्म इंट्रोड्यूस कीजिए सच दैट कि चारों नंबर अब जीपी में हो जाए,
इंट्रोड्यूस कीजिए, माने खोजना है आपको ए और बी नंबर्स खोजना है। ये सब बराबर बराबर दूरी पे नहीं होगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस में जब ढूंढते हैं ना, तो दिस माइनस दिस नंबर माइनस दिस नंबर ये दूरी होता है, दिस नंबर माइनस दिस नंबर ये दूरी होता है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में जब होता है तो सब बराबर बराबर दूरी पे दिखता है, पर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सब बराबर बराबर दूरी पे नहीं दिखता है। ये थोड़ा नजदीक, उससे दूर, ये दूरी से अधिक, ये दूरी उससे अधिक दूरी। एनीवे, हमको दो नंबर ढूंढना है 50, 5 और 50 के बीच में, सच दैट दे फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कैसे ढूंढेंगे? तो अब चार टर्म हो गया, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फोर्थ टर्म है। आपको खाली कॉमन रेशियो ही नहीं चाहिए, तब ना ये टर्म 5r² खाली कॉमन रेशियो चाहिए। तो आप एक इक्वेशन लिखिए जिससे कि कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, 50 मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू, ये चौथा टर्म है ये, तो कॉमन रेशियो टू द पावर 3। इससे हमको r का वैल्यू निकल जाएगा 50/5, 10 का क्यूब रूट। और अब नेक्स्ट टर्म होगा 5 × 10 का क्यूब रूट, उसके बाद 5 × 10 के क्यूब रूट का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और 5 × 10 के क्यूब रूट का क्यूब जो कि 5 × 10 50 हो जाएगा। जस्ट चेकिंग कि हाँ वो आखिरी टर्म 50 पहुंचना चाहिए। अभी हम चाहते हैं कि आप एक ठो इंट्रोड्यूस करें, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होना चाहिए। ढूंढना आसान है, एक जब आप इंट्रोड्यूस करने बोल रहे हैं तो हम सिर्फ दिस माइनस दिस इक्वल दिस माइनस दिस लिख रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग कंडीशन निकाल चुके हैं कि तीन नंबर अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस में हो तो बीच वाला का वैल्यू इक्वल टू होना चाहिए अगल बगल वाले का सम डिवाइडेड बाई 2। और अगर कहते कि एक नंबर ढूंढिए जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाए ए जी बी, तो हमको कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं है, जी बटे ए मस्ट इक्वल बी बटे जी, यानी जी स्क्वायर मस्ट इक्वल ए बी। ये हम लोग ऑलरेडी कंडीशन देख चुके हैं, तीन नंबर आप अगर कहते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होना चाहिए तो यही कंडीशन था, बीच वाला शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अगल बगल वाला नंबर्स। और अगर हार्मोनिक मीन कहें कि खोजिए एक नंबर एच, तो 1/a, 1/h और 1/b एपी में होना चाहिए, यानी कि बीच वाला नंबर 2/h इक्वल टू इतना, माने बीच वाला नंबर मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करके इस रूप में लिखे हैं, 2/h मस्ट इक्वल इतना। अगर हम h का वैल्यू चाहते हैं कि बता दें आप, तो हम जरा ऐड कर लेते हैं इधर, a प्लस बी बटे ए बी हो गया इन दोनों का सम, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2ab बटे a प्लस बी। ये तीन नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर के बीच में एक नंबर कहें कि ढूंढिए, तो इन नंबर्स को एक खास नाम से संबोधित करते हैं, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। इस नंबर को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, और इस नंबर को कहते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये सिर्फ दो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हम आपसे ये बात पूछेंगे कि बताइए तो जरा कैलकुलेट करके, दो नंबर दे दिया 5 और 1 7, कहे कि इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जरा ढूंढ के बता दीजिए। मीन बोल देने से आपको समझ जाना है कि हम एक नंबर ढूंढने बोल रहे हैं। तो आप तुरंत 5 और 7 को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, 5 और 7 को गुना करके स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, 2 × 5 × 7/5 + 7, ये 3 संख्या बता दीजिएगा। इन तीनों संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं। अगर हम इन तीनों नंबर्स को एक्चुअली में प्लॉट करें, रियल नंबर लाइन पे दिखाएं, तो ये नंबर ठीक बीचों बीच आता है, द अरिथमेटिक मीन, इट इज द मिड पॉइंट। ज्योमेट्रिक मीन वाला नंबर जो है 35 का स्क्वायर रूट, वो थोड़ा सा छोटा आता है, और हार्मोनिक मीन जो निकालिएगा वो और छोटा आता है। यानी इस चित्र में अगर यहां पे ए है
यहां पे जी होगा और यहां पे एच होगा। इतना ही नहीं, एक और बड़ा सुंदर बात यहां देखने को मिलता है। हम इस बात को एक इनइक्वालिटी के रूप में लिखते हैं। दो महत्वपूर्ण बात यहां देखने को मिलता है। पहला कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी टू नंबर्स। अरिथमेटिक मीन इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ये पहला महत्वपूर्ण बात है। इसको हम साबित कर सकते हैं कि इस तीन संख्या में सबसे बड़ा संख्या ये है, सबसे छोटा ये है, हम साबित कर सकते हैं। अभी करेंगे। ये बड़ा फेमस इनइक्वालिटी है। किसी भी दो पॉजिटिव नंबर को अगर आप जोड़ के दो से डिवाइड कर दीजिए, उनको गुना करके उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये नंबर इससे बड़ा आएगा, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। करते हैं प्रूफ। हमको कोई भी नंबर प्रूफ करना है कि 5/7 और 3/5 में कौन बड़ा है, बताइए। हमको चेक कर रहा है, या हम लिख कह दिए कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो साबित करके बताइए कि हम सही बोले कि गलत। तो दिस इज व्हाट यू डू। हम जब भी दो नंबर देंगे ए और बी, और आपसे कहेंगे जरा चेक करके बताइए विच इज ग्रेटर, तो तुरंत आप स्टार्ट कीजिएगा ए माइनस बी से, यानी स्टार्ट फ्रॉम 5/7। अगर इस नंबर को ए कह रहे हैं और इस नंबर को बी कह रहे हैं, तो ए माइनस बी का वैल्यू लिखिए। अभी आपको नहीं पता है कि ए बड़ा है बी से कि बी बड़ा है ए से, आप कोई एक से चलिए दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हुए। आगे समझ गए होंगे आपसे। अगर ये पॉजिटिव नंबर आ गया मतलब ए बड़ा है बी से, और नेगेटिव नंबर आ गया तो ए छोटा है बी से, बस इतना तो सरल है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 25-21 4/35। चूंकि पॉजिटिव नंबर आ गया यानी ए माइनस बी का वैल्यू एक ग्रेटर देन जीरो नंबर आया, यानी ए बड़ा था बी से, निष्कर्ष निकल गया। तो हमको यही ना साबित करना है कि ये नंबर इससे बड़ा है। तो लेट अस स्टार्ट ए माइनस जी से शुरू करते हैं, दिस माइनस दिस से शुरू करते हैं। अभी हम बिल्कुल अवेयर नहीं है कि कौन बड़ा है, रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब ए बड़ा है बी से। इसको हम कंबाइन करके ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये 2√a × 2√b है, ये रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2√a × √b, और एनीथिंग का स्क्वायर। ये नंबर तो ग्रेटर देन जीरो होगा ही, इक्वल भी हो सकता है जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, जब a और b बराबर नंबर दे दे। जैसे हम कहें कि एक नंबर है 5 और एक नंबर है 5, 5 और 5 का अरिथमेटिक मीन बताइए। मैंने एक नंबर ढूंढिए सच दैट दिस 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 एंड फॉर्म एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो वही 5+5/2 5 ही आ जाएगा। अच्छा, 5 और 5 का अरिथमेटिक मीन 5 है, और 5 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन खोजिए, यानी एक नंबर ढूंढिए सच दैट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो, तो दोनों को स्क्वायर करके रूट लीजिए, 5 आ जाएगा। यानी 5 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन 5 है, और हार्मोनिक मीन निकालिए 5 और 5 का, वही आएगा 2 × 5 × 5/5+5। नीचे 10 है, ऊपर 25 है, 25 × 2 = 50/10, 5 आ गया। यानी दो नंबर अगर आइडेंटिकल दे दें ए और बी, तो उसका ए एम जी एम एच एम सब एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, अन्यथा तो ये बात हमेशा ट्रू होगा, ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। इक्वल टू कब होगा बता दिए। टू डिस्टिंक्ट नंबर्स अगर दे दीजिए अलग अलग, तो निश्चित रूप से ए विल बी ग्रेटर देन, ए विल बी ग्रेटर देन जी एम। और अब दिस ग्रेटर देन दिस प्रूव करना है, स्टार्ट कीजिए जी माइनस एच से, रूट ए बी माइनस 2ab/a+b, देखते हैं सिंप्लीफाई करके। इन दोनों में से रूट ए बी को कॉमन ले लेते हैं, रूट ए बी यहां पे रूट ए बी इंटू रूट ए बी लिख सकते हैं इसको, और अब हम इन दोनों को कंपोज करें फ्रैक्शंस को, तो ये रूट ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी माइनस ट्वाइस रूट ए बी बटे ए प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इंटू रूट ए बी बटे ए प्लस बी। अब सब पॉजिटिव है, याद रहे कि ये सब रिजल्ट जो हम लोग डिराइव कर रहे हैं ओनली फॉर टू
पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो a प्लस बी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, a इंटू बी पॉजिटिव है, खैर स्क्वायर रूट लेने पर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है, किसी भी नंबर का जिसके लिए डिफाइंड हो स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का तो निकाल नहीं सकते, पर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पूछे कि बताइए रूट 16, तो आप आंसर प्लस 4 बोलते हैं ओनली। तो ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर और समथिंग का स्क्वायर, जैसे समथिंग का रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है, समथिंग का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर रिटर्न, सो दिस इज पॉजिटिव और मे बी जीरो इफ ए इज इक्वल टू बी, हेंस द अदर पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी। ये किसी भी दो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी हम लोग आज के बाद हमेशा याद रखेंगे, कभी आवश्यकता होगा फिजिक्स या मैथ्स में तो हम यूज करेंगे और अक्सर करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि ये तीनों संख्या एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है, एच जी ए एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है, साबित कर सकते हैं हम लोग। हाँ भाई, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में साबित करने के लिए क्या साबित करना है हमको, यही ना कि दिस बटे दिस इक्वल टू दिस बटे दिस, यानी जी स्क्वायर का वैल्यू ए इंटू एच के बराबर अगर साबित कर दें, देखिए है इसको स्क्वायर कीजिए तो जी स्क्वायर का वैल्यू आया ए इंटू बी, और ए इंटू एच को गुना कीजिए तो ए प्लस बी बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, आ केवल बचेगा ए बी, हेंस प्रूफ। तो हम लोग दो महत्वपूर्ण बात यहां सीखे, किसी भी दो पॉजिटिव रियल नंबर का ए एम जी एम एच एम आर थ्री नंबर्स, हमेशा ये बात सत्य होगा और हमेशा ये बात भी सत्य होगा, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल डेफिनेटली बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एच। एक छोटा सा और बात, अभी एक क्वांटिटी हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं जो अभी सीक्वेंसेस एंड सीरीज के में सवाल जो बनाएंगे ना उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा, एक बात का, इन सब बातों का पड़ेगा आवश्यकता जो हम लोग पढ़े हैं। एक चीज है जो कि हम आज बता दे रहे हैं, इस्तेमाल इसका हम लोग कभी भविष्य में करेंगे, उस समय हम याद दिलाएंगे, चूंकि आज बताएंगे कभी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो आप भूल जाइएगा, आप कभी एगो सवाल आएगा कभी भविष्य में वहां पर हमको जरूरत पड़ने वाला है, तो हम आज बोल दे रहे हैं। अगर हम n नंबर्स दे दें, पॉजिटिव रियल नंबर्स n, n पॉजिटिव रियल नंबर्स, इनका अरिथमेटिक मीन हम डिफाइन कर रहे हैं। अभी दो नंबर का डिफाइन किए थे a और b का, तो वो डेफिनेशन था कि एक ऐसा नंबर को कहते हैं अरिथमेटिक मीन सच दैट स्मॉल a, कैपिटल a एंड स्मॉल b, दे फॉर्म एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, यही डेफिनेशन था। इस डेफिनेशन के आधार पे हम a माइनस a बराबर b माइनस b, b माइनस a, हेंस 2a बराबर a प्लस b, हेंस a बराबर ढूंढे। अब हम एक नया चीज बोल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, इसका क्या डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन को कोई लेना देना नहीं है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसका डेफिनेशन है सबको ऐड कर दीजिए और उसको n से डिवाइड कर दीजिए, जो नंबर आएगा उसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, और ज्योमेट्रिक मीन हम पूछेंगे इन नंबर्स का, तो डेफिनेशन है सब नंबर को गुना कर दीजिए और उसका nth रूट निकाल दीजिए एच ए। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन इन सबको सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, तो n बाई एच इक्वल 1 बाई ए वन प्लस 1 बाई ए टू प्लस 1 बाई ए, यानी 1 बाई एच इक्वल टू इतना बटे n, यानी h इक्वल टू n बटे 1 बाई ए वन प्लस 1 बाई ए टू प्लस 1 बाई ए, ये बताना है हार्मोनिक मीन ऑफ n पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऐसा बोलेंगे।
जनरली इसको जो रटा जाता है वो ऐसे रटते हैं, n बाई h इक्वल्स सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। इनसे रिलेटेड एक बात खाली आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कोई भी हम नंबर दे दें, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स n नंबर, और उसका आप निकालते हैं अगर am, gm, n, hm, ये तीनों नंबर एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। दो के लिए प्रूफ किया है, ये जो यहां पे लिखा गया है दो के लिए क्या था, ये दो के लिए अरिथमेटिक मीन होता ए वन प्लस ए टू बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन होता ए वन इंटू ए टू टू द पावर हाफ, हार्मोनिक मीन होता टू बटे वन बाई ए वन प्लस वन बाई ए टू, विच इज एड कीजिए डिनोमिनेटर ए वन प्लस ए टू बटे ए वन ए टू, विच इज टू ए वन ए टू बटे ए वन प्लस ए टू। हम लोग दो के लिए डिफाइन कर चुके हैं, और दो के लिए हम साबित कर चुके हैं कि दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये बात एम के लिए भी ट्रू है। हम लोग इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, एक खास तरीका है मैथमेटिक्स में प्रूफ करने का, इस तरह के बातों को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। अभी हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं उसको, इनफैक्ट ये प्रूफ इतना आसान भी नहीं है, इट इज वेरी वेरी टफ, रन्स थ्रू पेजेस द प्रूफ ऑफ दिस, कि इस केस में भी ये बात वैलिड है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। कभी किसी एक सवाल में आपसे हम कहें कि देर आर थ्री नंबर्स इन एपी, तो आप तुरंत कल्पना कर सकते हैं एक नंबर ए, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ना ए का वैल्यू दिए हैं आपको ना डी का, केवल बोले कि देर आर थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। जैसे ही बोले तुरंत मेरा ब्रेन जो है वो तीन नंबर कल्पना कर लिया। अब आपको हम दो जानकारी देंगे, जिस जानकारी का इस्तेमाल करके आप ए और डी का वैल्यूज ढूंढ सकेंगे। जैसे हम कहेंगे कि इन तीनों का जो सम है वो 12 है, आप तुरंत एक इक्वेशन लिख सकेंगे ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी बराबर 12, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, तो आप एक और इक्वेशन लिख सकेंगे दिस इंटू दिस इंटू दिस इक्वल टू 48। अब आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिल गया, एक नहीं एक से अधिक जब इक्वेशंस आपके सामने हो तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, हम ए ए ए ऐड करके 3a प्लस 3d इसको लिख रहे हैं, यानी a प्लस डी बराबर सिंप्लीफाई कर दिए 12/3, 4। सो वी हैव टू इक्वेशंस नाउ एंड देर आर टू अननोन्स ए एंड डी, कि जब मैच कर जाए नंबर ऑफ अननोन्स मैचेस नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बोलते हैं कॉम्पैटिबल। हाँ, मतलब अब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, खोजना होगा। अगर अननोन्स का संख्या दो हो और आपके पास एक ही इक्वेशन हो, बस मान लीजिए इतना, तो इतना से सॉल्व करके आपसे कहें कि जरा ए और बी का यूनिक वैल्यू बता दीजिए, तो आप नहीं बता सकते हैं, हम अनगिनत बता सकते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू 4 होना चाहिए, तो हम देखिए बताते हैं ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू -1, ए का वैल्यू 9, डी का वैल्यू -5, ए का वैल्यू 50, डी का वैल्यू -46, अनगिनत बता सकते हैं जोड़ा जोड़ा। खाली इतने में बोले थे कि दोनों का सम 4 होना चाहिए। अगर मेरे पास सिर्फ ये इक्वेशन हो तब भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ए और डी का हम इन्फिनाइट वैल्यूज ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे, जैसे ए के जगह पे अपनी मर्जी से कुछ मान लेंगे ए बराबर 1, डी का वैल्यू ढूंढेंगे ए का वैल्यू 1 डाल के। लेकिन जब मेरे पास अननोन्स और इक्वेशंस का संख्या मैच कर जाएगा, अब हम सॉल्व करके ए और डी का यूनिक वैल्यू ढूंढ सकेंगे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे साइमल्टेनियसली। लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए हम इसको और सुंदर अप्रोच हो सकता था, सवाल बन गया है, लेकिन अप्रोच सुंदर नहीं था, अप्रोच सुंदर कर रहे हैं। जब कभी कहा जाए कि तीन नंबर अरिथमेटिक सीक्वेंस में है, तो दिस चॉइस इज अ वेरी पुअर चॉइस, पुअर।
A good choice, A minus D, A and A plus D. ये good choice है. अब यही बात हमको सिखाना है, आपको याद रखना है कि जब कभी तीन नंबर कहें कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में है तो लेट, मैथमेटिशियन तो यही ना जीवन शुरू करता है, लेट. तो दिस इज अ गुड चॉइस. देखिए इसका क्या फायदा हुआ. अब हम बोले थे सम ऑफ देम इज 12. अब जो आप एक इक्वेशन लिखेंगे, सम करेंगे, तो सिर्फ 3a आ जाएगा इक्वल टू 12. सीधे a का वैल्यू आ गया, यानी अब आपका तीनों नंबर हो गया 4, 4 प्लस डी और 4 माइनस डी, और तीनों का प्रोडक्ट हम कुछ नंबर बोले थे 48. तो 4 इंटू 16 माइनस डी स्क्वायर गुना किए इक्वल टू 48. अब हम डी का वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 12 डी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 12 4, डी बराबर प्लस माइनस 2. यानी ये नंबर है 4 और डी का वैल्यू 2 लेते हैं अगर, तो ये नंबर 2, ये 4 और 6, और अगर डी का वैल्यू माइनस 2 लेते हैं तो ये 6, ये 4, ये 2. दो तरह का सीक्वेंस पॉसिबल था, 2 4 6 या 6 4 2. एड करने पर 12 आना चाहिए था और गुना करने पर 48. सो दिस प्रॉब्लम कुड हैव बेटर बीन सॉल्व हैड वी चोजन द 3 नंबर्स लाइक दिस. और अगर कभी 5 नंबर कह दें कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में है तो 5 नंबर तो कैसे चुनना चाहिए. चुनना चाहिए ए, ए प्लस बी, ए प्लस टू डी, ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, 5 नंबर. और अगर 4 नंबर कहें कि एपी में है तो चुनना चाहिए ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस माइनस थ्री डी. चेक कीजिए, 4 नंबर चुनना है तो ऐसे चुनना होगा. जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चुनना हो, 3 5 3 चुनना हो, 5 चुनना हो, 7 चुनना हो, ए माइनस, तो बीच में एक ए चुन लीजिए और कॉमन डिफरेंस डी आगे ऐड कर दीजिए डी, अब पीछे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डी. और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स चुनना हो तो बीच में नहीं हो सकता है कोई नंबर. अब हम 2d डिफरेंस लिए हैं, 2d ए माइनस डी में 2d ऐड किए, फिर 2d ऐड किए. इसका फायदा यह है कि अगर हम कहें कि देयर सम इज समथिंग तो ऐड कीजिए, ऐड करने पर माइनस 3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी, खाली 4a बच जाता है. एक इक्वेशन बड़ा ही सरल हो जाता है. यू मस्ट रिमेंबर दिस. 6 टर्म्स चुनना हो इन अरिथमेटिक सीक्वेंस तो और एक तो चुन लीजिए ए प्लस 5d, 2d कॉमन डिफरेंस का चुनिए और ए माइनस 5d, यानी ए माइनस डी, ए प्लस डी से शुरू कीजिए, जोड़ते जाइए दोनों तरफ, घटाते जाइए जोड़ते जाइए. और अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में चुनना हो 3 टर्म तो ए ए आर, ए आर स्क्वायर, वेरी पुअर चॉइस. चुनना चाहिए ए, ए गुने आर और उसके पहले ए बटे आर, ताकि कभी हम कहें कि 3 नंबर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है और उनका प्रोडक्ट कोई एक नंबर दे दें 8, तो तीनों को गुना कीजिए तो r और 1 बाई आर कट के केवल ए क्यूब बराबर 8 आ जाएगा, सीधे a का वैल्यू निकल जाएगा. सो दिस इज हाउ यू मस्ट चूज 3 नंबर्स इन जेपी एंड 5 नंबर्स इन जेपी. एक और बार r से गुना कर दीजिए, एक बार और r से डिवाइड कर दीजिए, 7 नंबर्स और 4 नंबर्स इवन नंबर्स. वही जो यहां पे हम लोग 2d किए थे, देखिए a बाई आर और ए आर. अब a नहीं चुनेंगे, अब कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से गुना किए आर क्यूब और ए बटे आर क्यूब, 4 नंबर चुने हैं. अब हम यहां से शुरू करके जो अगल बगल मल्टीप्लाई करते जा रहे थे आर से, इस बार कॉमन रेशियो मेरा आर नहीं बल्कि आर स्क्वायर रहेगा. समाप्त, आज के लिए इतना ही.